हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फावड़ा कॉग्नोसी चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लांट फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, कट लगते हैं, चोट लग जाती है, उस समय जो पट्टी वगैरह का हम लोग बैंडेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, उनमें हम लोग पट्टी में कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में लेक्चर है, पहली चीज। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर अगर देख लिया तो ये बात क्लियर होगी, हर एक लेक्चर के नोट्स तो मैं सिर्फ उतने उतने दे ही रहा हूं, पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स चैप्टर नंबर 5 में मैं एक साथ दे दूंगा। सॉरी, चैप्टर 5 में, लेक्चर नंबर 5 में। किसमें? लेक्चर नंबर 5। 5 ही लेक्चर होंगे इसके, ठीक है, छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। तो लेक्चर नंबर 5 में पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ रहेंगे, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। कुछ बच्चे अगर ये बोलते हैं सर टुकड़े टुकड़े में नोट्स मिल रहे हैं, पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ दे दूंगा मैं, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 5 के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? स्टार्ट करें, फटाफट खत्म करें। ओके, सिल्क। सिल्क सब लोग जानते हैं, सिल्क की साड़ियां सब लोगों ने देख रखी होंगी, है ना, ठीक है। बस उसी के बारे में है, उस यहीं से हम लोग थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके क्या बना लेते हैं अपने उसकी सर्जिकल कुछ चीजें बना लेते हैं। तो समझते हैं क्या है सिल्क में। तो क्या कह रहा है सिल्क में? सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन। अब याद रखो, सिल्क क्या है? प्रोटीन है, ठीक है ना। लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या कॉटन, वो क्या था? सेलुलोज था। वो क्या था? सेलुलोज। ये क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन फाइबर होता है। सम फॉर्म्स ऑफ विच कैन बी वोवन इनटू टेक्सटाइल। कुछ फॉर्म जो है वो टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों वाली इंडस्ट्री वगैरह में उसका इस्तेमाल होता है। ओके, द प्रोटीन फाइबर ऑफ सिल्क इज कंपोज्ड ऑफ मेनली। इस प्रोटीन फाइबर में भी कौन सी प्रोटीन होती है? दैट इज फाइब्रोइन, एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन इंसेक्ट लार्वे। इंसेक्ट का जो लार्वा होता है उसके द्वारा पैदा किया जाता है क्या ये वाली प्रोटीन, टू फॉर्म कोकून। कोकून क्या होता है? याद होगा वो लार्वे थोड़े समय बाद अपने ऊपर इस तरह से गोल 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 स्ट्रक्चर बना लेता है, देखेंगे अभी उसका डायग्राम देखेंगे, कोकून और लार्वे। चलो देख लेते हैं कोकून और लार्वे, समझ लें पहले, कोई बार बार ये आने वाला है। तो ये देखो होता क्या है, ये अडल्ट मौत है ना, उसने क्या दे दिया? अंडे दे दिए। ये अंडे किसे बदल गए? क्या दिखाई दे रहे हैं? हल्के हल्के से लार्वा में, ठीक है ना। ये लार्वे खा खा के थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर क्या होते हैं, इनको वापस से पूरा एडल्ट कोकून बनने के लिए ये अपने ऊपर ना, ये देख लो पीला पीला इस तरह से, ये पूरा अपने ऊपर क्या कर लेता है, इस तरह से सिल्क निकाल करके एक खास धागा निकालता है, इसको हम सिल्क कहते हैं, पूरा लपेट लेता है, ये इसके अंदर कैद है। फिर क्या होगा, जब ये पूरा बड़ा हो जाता है तो इसी को फोड़ करके फिर बाहर आता है, और बाहर आके पूरा फुल ये बटरफ्लाई कह लो या सिल्क मौत कह लो, इस तरीके से ये अपने आप को करता है। ये जो कोकून होता है ना इसका, इसी को उठा करके हम लोग यहां से, भाई धागा तो यही है, यहीं से उठा करके इसको हम कहां डालते हैं? पानी में डाल देते हैं, ठीक है। डिटेलिंग के लिए कुछ बच्चे अगर लगता है कि कैसे, तो सिल्क प्रोडक्शन या सिल्क मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कोकून, सिल्क फ्रॉम कोकून करके यूट्यूब पर डालोगे तो लाइव दिखाएंगे किस तरह खोलते पानी में इनको खोलाया जाता है और इसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग, क्या कर रहे थे हम लोग। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, कोकून क्या होते हैं, लार्वे क्या होते हैं। द बेस्ट नोन सिल्क इज ऑब्टेन, जो सबसे अच्छा सिल्क जाना जाता है वो ऑब्टेन किया जाता है, कहां से मिलता है वो हमको, वो मिलता है फ्रॉम द कोकून ऑफ द लार्वे ऑफ द मलबरी, है ना, शहतूत का जो पेड़ होता है, मलबरी सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोरी। उसका नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी। रियर्ड मतलब पाला जाता है इन कैप्टिविटी, है ना, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क की प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो इनको पालते हैं उस पालन पोषण का नाम क्या है? सेरिकल्चर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहा जाता है। अब क्या कह रहा है ये, आगे आते हैं। द शिमरिंग अपीयरेंस ऑफ सिल्क इज ड्यू टू द ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सिल्क फाइबर। जो शिमरिंग अपीयरेंस होता है, ठीक है, शिमरिंग हम कह सकते हैं एक चमक टाइप का सिल्क का, इज ड्यू टू ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। एक प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऑन द सिल्क फाइबर विच अलाउ सिल्क क्लोथ टू रिफ्रैक्ट इनकमिंग लाइट एट डिफरेंट एंगल। ये क्या करता है, जो इनकमिंग लाइट है उसको अपने अंदर से गुजार के अलग अलग एंगल पे निकालता है, तो जो है ना उसकी चमक एक अलग अलग सी मालूम पड़ती है, कभी कुछ चमक रहा है, कोई कलर, कभी कोई कलर, ठीक है ना, दस प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कलर, तभी तो कॉस्टली है, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर बड़ा अच्छी बात है, कभी सिल्क प्योर सिल्क को देखना मजा आएगा। सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द लार्वे ऑफ इंसेक्ट। मेनली कौन पैदा करते हैं? जो इंसेक्ट के लार्वे होते हैं।
अंडरगोइंग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है पहले कुछ और बाद में कुछ और। सिल्क कब बनाया जाता है, देखो मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं समझते हैं। ये देखो अभी कैसा है और ये, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं ये और ये? नहीं ना। तो देखो पहले कुछ और था, अब मतलब बचपन में कुछ और था। इंसान के बच्चों की बात करें तो जैसा छोटे पे होता है वैसे ही बड़ा होता है, केवल साइज तो बढ़ता है। यहां देखो पहले रेंगने वाला और फिर उड़ने वाला, पूरा पूरा बदल गया। जब इस तरीके से बॉडी के अंदर 100% चेंजेस आ जाते हैं, पूरे पूरे चेंजेस, मतलब बॉडी पहले बचपन में कुछ और बाद में कुछ और, ऐसे चेंजेस के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मेटामॉर्फोसिस। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो जब मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है तभी सिल्क क्या होता है, लार्वा पैदा करता है। बट सम इंसेक्ट सच एज वेब स्पिनर एंड रेस्पी क्रिकेट्स प्रोड्यूस सिल्क थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी जिंदगी सिल्क बनाते हैं। ठीक है, ये अभी अपने मतलब के नहीं ज्यादा, अपने मतलब का यही वाला है, लेकिन तब भी एक आइडिया दिया कि सिल्क केवल एक नहीं कई लोग बनाते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। सिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो ऑकर इन हेमनिप्टेरा। हेमनिप्टेरा में कौन कौन आता है? बीज, वेब्स एंड एंट्स, ये भी सिल्क बनाती हैं। सिल्वर फिश भी सिल्क बना रही है, मे फ्लाइज भी है, थ्राइस भी है, लीफ हुपर्स भी है, बीटल्स भी है, लेस विंग्स भी है, फ्लीज फ्लाइज एंड मिजेस भी है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, बीटल्स कीड़े मकौड़े उनकी बात दे रखा है सबको, अगर जानना चाहते हो तो एक एक करके किस पर डालोगे, गूगल पर डालोगे, इनके पिक्चर निकल के सामने आ जाएंगे। बस बताने का यहाँ पे एक मोटिव ये था कि केवल सिल्क वॉर्म ही नहीं, सिल्क वॉर्म इसलिए फेमस है क्योंकि उससे मिलने वाला सिल्क पूरी जगह फैला हुआ है, ज्यादातर उसी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिल्क ये भी बनाती है। सिनोनिम की बात करें तो फाइबर, टेफ्टा, थ्रेड, ट्यूले, मैंटुआ, पोंगी, समेटा, ट्यूसा, कई सारे नाम है इसके। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स, स्पन, स्पन मतलब जो उन्होंने अपने ऊपर ऐसे गोल 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 बना लिया है, बाय द लार्वे बॉम्बिक्स मोरी, लिन, लिन मतलब साइंटिस्ट लाइनस, बिलोंगिंग टू द फैमिली बॉम्बिसिडे और मोरेसी, बॉम्बिसिडी सिडे और मोरेसी, मोरेसी ये दो फैमिली मतलब अदल बदल के इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो नाम क्या है, कोकून से बनता है और कौन किसका लार्वे है, बॉम्बिक्स मोरी का लार्वे है। किसका लार्वे है? बॉम्बिक्स मोरी का। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, सिल्क मेनली कंसिस्ट ऑफ, जैसे हमने बताया था, प्रोटीन नोन एज फाइब्रोइन। ठीक है, प्रोटीन है और उसका मेन क्या है, प्रोटीन का कंटेंट क्या है, फाइब्रोइन है। फाइब्रोइन इज सॉल्युबल इन वार्म वाटर एंड ऑन हाइड्रोलिसिस, फाइब्रोइन पानी के अंदर घुल जाएगा, सॉल्युबल होता है, और हाइड्रोलिसिस पे हमको देता है दो मेन अमीनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन और एलानिन। तो ये आ गया इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट। ऑर्गेनोलेप्टिक बात करें अगर, तो कलर की बात करें तो कलर कैसा है इसका, कलर येलो है। ठीक है, साइज 5-25 माइक्रोन इन डायमीटर एंड 1200 मीटर इन लेंथ, काफी लंबा होता है ये, खोल के उधेड़ दे तो काफी लंबा होता है। अपीरियंस फाइन, काफी पतला है, सॉलिड है, स्मूथ टू टच, छुए तो बड़ा स्मूथ लगता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन क्यूएक्साम इन कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक्स्ट्रा फीचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, पानी को सोखता है, एंड हैज गुड इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, खिंच भी जाता है और टूटेगा नहीं जल्दी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जल्दी से टूटेगा नहीं। क्लियर है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करूं मैं अगर, तो चाइना, फ्रांस, ईरान, इटली, जापान एंड इंडिया, तो इंडिया तो है ही अपना। ठीक है, इन जगह से ही हमको मिलता है बड़े पैमाने पर, ये कंट्रीज हैं जो इसको पैदा करती हैं। अब आते हैं अपना प्रिपरेशन पे, कि आओ देखें जरा ये प्रिपेयर कैसे होता है। तो एक झलक तो मिली गई इसकी, ये अंडे देगा, अंडे से ये फिर जब ये आता है तो इसको निकाल के हम लोग उबालते हुए पानी में डाल करके लार्वा अलग कर देंगे इसके अंदर का, और ये कोकून का ऊपर का सिल्क निकाल के अलग कर लेते हैं। आओ देखते हैं कैसे। तो क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ सिल्क वॉर्म एग कंसिस्ट ऑफ अराउंड 15,000 एग। अगर मैं इसके अंडे 1 ग्राम तौलूं, कितना, मात्र 1 ग्राम अंडे लेकर के 1 ग्राम तौल दूं, तो उन 1 ग्राम अंडों में लगभग कितने अंडे हो जाएंगे, 15,000 अंडे होंगे। 15,000 अंडे मिल करके 1 ग्राम वेट क्रिएट करते हैं, बात समझ में आई। विच आर कैप्ट एट 0°C टू ओवरकम द इमेच्योर डेवलपमेंट, उसको 0 डिग्री पर रखा जाता है जिससे कि पहले ही क्या हो जाए, पैदावार या उसके अंदर से लार्वी निकल के बाहर ना आ जाए। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, द सिल्क वॉर्म ईट मलबरी लीफ, वो मलबरी लीफ को खाता है डे रात, दिन रात, एंड द ग्रो वेरी फास्ट, दिन रात खाते रहते हैं, बड़ी तेजी से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। व्हेन द कलर ऑफ देयर हेड, उनके सर का कलर चेंज डार्कर, ये इंडिकेशन हो गया
ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट द टाइम फॉर देम टू मोल्ट हैज कम। अब वो टाइम आ गया कि वो अब क्या करेंगे, मोल्ट होने जा रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर कोकून वगैरह बनाएंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। इट रिक्वायर ऑलमोस्ट अ मंथ टाइम, इसको लगभग एक महीने का टाइम लगता है फॉर इट्स डेवलपमेंट इंटू फुल साइज, पूरा बड़ा होने में इसको एक महीना लग जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट टेक्स फोर माउल्ट्स, चार बार अपने आप को बदलेगा माउल्ट, एंड देयर बॉडी टर्न्स स्लाइटली येलो रीचिंग अ साइज ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग हल्की येलो हो जाती है और 4 सेंटीमीटर इसका साइज पहुंच जाता है। द सिल्क वॉर्म फाइनली ईट्स, अल्टीमेटली जब लास्ट इसका टाइम आ जाता है एकदम मैच्योर, मतलब उस कंडीशन में आ गया है कि अब बदलेगा, खाता है ये अबाउट 20-25 टाइम्स ऑफ इट्स वेट, अपने वेट का 20-25 गुना खाता है पत्तों को, ठीक है ना। एंड अटेन अ साइज ऑफ 9 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 मिलीमीटर थिक, इतना मोटा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है, ठीक है। द स्किन बिकम टाइट एंड ऑल दिस सिम्टम्स इंडिकेट दैट इट गोइंग टू कवर इटसेल्फ विद अ सिल्की कोकून, और ये सारे सिम्टम्स क्या है कि ये अब अपने आप को कवर करने जा रहा है सिल्की कोकून से। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग कोकून, स्पिनिंग मतलब अपने ऊपर गोल 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 धागे को लपेटना, कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट 3 डेज, 3 दिन तक अपने ऊपर धागे को लपेटता है वो। आफ्टर 7-8 डेज, 7-8 दिन में द लार्वे चेंजेस इंटू क्राइसलाइट्स एंड द कोकून्स आर कलेक्टेड बाय थ्रोइंग देम इंटू बॉइलिंग वाटर। मैंने क्या कहा था, लार्वा जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्राइसलाइट्स में, और कोकून को हम लोग क्या करते हैं बॉइलिंग वाटर में फेंक देते हैं, मतलब थ्रो करने तो डाल देते हैं, ठीक है, और उसमें से सिल्क को अलग करते हैं। ये क्या करेगा, किल द सिल्क वॉर्म एंड ऑल्सो मेक्स द कोकून ईजियर टू अनरेवल, इससे क्या होता है सिल्क वॉर्म मर जाएगा और सिल्क को निकालना आसान हो जाता है, अनरेवल करना। अब क्या कह रहा है, इफ द कैटरपिलर इज लेफ्ट टू ईट इट्स वे आउट ऑफ द कोकून नेचुरली, अगर हम उस कैटरपिलर को छोड़ दें कि वो खाता रहे और बाद में धीरे से कोकून से बाहर आ जाए, द थ्रेड्स विल बी कट शॉर्ट, थ्रेड्स क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, एंड द सिल्क विल यूजलेस, अब जो सिल्क है वो बेकार हो जाएगी फिर, इसीलिए हम उसके बाहर निकलने से पहले ही उस सिल्क को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अगर वो सिल्क से क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। द कोकून आर कैप्ट इन हाई क्वाम वाटर टू रिमूव द गम, उसको पानी में रखते हैं जिससे कि क्या हो जाए, गर्म पानी में उससे गम जो है चिपचिपा पदार्थ वो अलग हो जाए। सिंस ऑल द एग्स हैच ऑलमोस्ट द सेम टाइम, जो अंडे 15,000 थे वो एक साथ ही हैच कर गए थे, फूटे थे, तो कोकून आल्सो बी कलेक्टेड टुगेदर एंड ट्रीटेड एट द सेम पीरियड, तो इसीलिए सारे कोकून भी लगभग एक साथ ही बनते हैं। सम अमाउंट ऑफ कोकून्स आर रिटेन्ड एंड अलाउड टू कम आउट फॉर फर्टिलाइजेशन, कुछ को लोग छोड़ देते हैं जैसे कि वो कोकून से बाहर निकले और फर्टिलाइज करें ताकि अगली पैदावार के लिए हमको अंडे मिल जाए, ठीक है। द फीमेल ले नियरली 500 एग्स एंड दीज एग्स आर स्टोर्ड, उनको स्टोर कर लेते हैं, फर्दर रिक्वायरमेंट इज वांटेड, जैसे कि आई की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इन अंडों को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। क्लियर है बातें, चलें आगे। अब क्या कह रहा है, यूज की बात करें, सिल्क इज यूज्ड फार्मास्यूटिकली इन द प्रिपरेशन ऑफ सूचर्स, सूचर्स क्या होते हैं, टाके, जो टाके वगैरह लगते हैं, सीव्स, ठीक है ना, जो छलनी टाइप की रहती है, छान मतलब छन्नीदार धागा वो रहता है, एंड लागेचर, लागेचर वही है जो टाई बांधने में काम आता है, अंदर के जो पार्ट वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर कट लगने के बाद, जो हम लोग सूचर सेक्टर से ऊपर काट देता है, और लागेचर हम लोग बॉडी के अंदर बांधने में काम में लेके आते हैं। द स्टिफ सिल्क वॉर्म, स्टिफ सिल्क वॉर्म कैसा होता है, जो ड्राइड बॉडी इन द 4th to 5th स्टेज ऑफ लार्वा विच डाइज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द फंगस बोवेरिया बेसेमिया, तो ये कैसा हो गया, स्टिफ हो जाता है, मर चुका है, बॉडी सूख चुकी है और ये काफी अकड़ गया है, ठीक है। इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, जो अकड़ा हुआ, सूखा हुआ, अकड़ा हुआ सिल्क वॉर्म है, उसको भी चाइनीज मेडिसिन में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है, इसको लिख पाओगे, काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है मैंने इसको, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था, और नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। तो तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको एक दो बार देख लो, रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा, और लिख के भी देख लेना एक बार, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।